9 न्यूज और मैं हूं दिवाकर आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से। बाराबंकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने छाया चौराहे पर स्थित शहीद राजा बलभद्र सिंह चहलारी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के पश्चात लद्दाख में गलवान घाटी में कायराना हरकत से शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर सलामी देकर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की। तत्पश्चात राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और सम्मान में गगनभेदी नारे भी लगाए। आपको दिखाते हैं दिनेश कुमार वर्मा का एक खास रिपोर्ट। भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर जो झड़प हुई और उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए, आज उन सबको हम लोग यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के नीचे बलभद्र चहलारी जी की नरेश जी की मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण करने के बाद ध्वजारोहण कर उनको सलामी दी गई है और उनके इस जज्बे को सलाम किया है कि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी। आज हम लोगों ने राष्ट्रीय गान भी उनके सम्मान में गाया है और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ हम लोग भारतीय प्रधानमंत्री जी से ये भी मांग कर रहे हैं कि चाइना को इस कार्रवाई के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पूरे देश में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि हमारे सैनिक शहीद हुए। जहां एक तरफ अपने सैनिकों के लिए हमारे दिल में पूरा सम्मान है, हमारे जज्बात उनके लिए उभर करके सामने आ रहे हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, पूरे देश में लगभग इसी तरह का माहौल है। और साथ ही साथ उनको सम्मान देते हुए हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि चाइना को इस कायराना हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए।